हेलो एवरीवन एंड यू आर वाचिंग पार्ट 6 ऑफ द चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 साइंस बुक एंड वी आर ऑन द टॉपिक प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सब जानते हैं वीड्स होते क्या हैं। फील्ड में जो भी अनडिजायरेबल प्लांट्स उग जाते हैं क्रॉप्स के साथ वो कहलाते हैं वीड्स और इनकी रिमूवल को कहते हैं वीडिंग। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं मार्क कर देती हूँ, रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। आइए, वीडिंग नेसेसरी क्यों होती है। ये वीडिंग इसलिए नेसेसरी होती है क्योंकि वीड्स जो होते हैं वो क्रॉप को क्या करते हैं, उनके वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस और लाइट चारों पे अपना कब्जा कर लेते हैं और क्रॉप को डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें रिमूव करना पड़ता है। और अगर बाई चांस हार्वेस्टिंग के दौरान ये वीड्स भी आ गए साथ में क्रॉप के, तो क्या होता है, ये किसी भी जानवर और इंसान के लिए बहुत पॉइजनस होता है, इसलिए फार्मर्स इन्हें पहले ही हटा देते हैं। अब फार्मर्स ने कई तरीके अपनाए हैं इन वीड्स को हटाने और इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। पहला है टिलिंग। टिलिंग मतलब कि हल जोतना, ठीक है, जुताई करना। तो ये कब होता है, हमेशा सीड्स को सो करने से पहले पहले ही काम होता है, जोता जाता है फील्ड को और उसमें कई सारे वीड्स क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। तो ये हुआ पहला। दूसरा, मैनुअली, अगर कोई फार्मर जैसे क्रॉप उग गई है उसकी और फिर उसके साथ साथ भी कुछ वीड्स उग गए हैं, तो उसको वो क्या हाथों से अपने निकाल लेगा या फिर खुरपी का इस्तेमाल करते हैं वो, और सीड ड्रिल का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, वीड्स को हटाने का एक तीसरा तरीका भी है, जो है केमिकल का यूज़। केमिकल जो कहलाते हैं वीडिसेंट, जिनका एग्जाम्पल है यहाँ पे 2D और 4D, इनका एक स्प्रे होता है जो फील्ड में किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है इन्हें, और जिससे वीड्स मर जाते हैं। पर इन केमिकल्स से क्रॉप्स को कोई डैमेज नहीं होगा, क्रॉप्स बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अब इन वीड्स को पानी में घोलकर फिर स्प्रे किया जाता है फील्ड्स में, और इसकी कंडीशन भी होती है। इसको स्प्रे कब किया जाता है, जब वीड्स फ्लावरिंग कर रहे हो और सीड फॉर्मेशन कर रहे हो, तब स्प्रिंकल करने से वीड्स मर जाते हैं। और इनको स्प्रिंकल करते समय फार्मर को, यहाँ पर देखिए इस फोटो में, फार्मर को ऐसे मास्क पहनना चाहिए ताकि उसका नाक और मुंह दोनों कवर रहे, क्योंकि ये जो केमिकल है ये हार्मफुल है फार्मर की हेल्थ के लिए। दैट्स व्हाई उसे ये कवर, अपना फेस और नोज कवर करना पड़ता है। सो देखा आपने, हमने एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिल पाएँ, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।